हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं शेख हसीना गॉन, व्हाई इज इंडिया वरीड। देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। देखो, शेख हसीना के साथ मैं ये नहीं कहूँगी, शेख हसीना बहुत ही अच्छी थी इंडिया के साथ। मैंने उसकी कई पुरानी इंटरव्यू सुनी है, उसमें वो हमेशा बांग्लादेश का ही फ़ायदा देखती थी और उसने कई इंटरव्यूज़ में बड़ी ब्लंटली इंडिया को भी हर कई चीज़ों पे ब्लेम करने की कोशिश की थी कि जैसे इनके पानी जो नदियाँ बहती हैं हमारे यहाँ से आती हैं और उनकी तरफ जाती हैं, तो उसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, ज़मीन से लेके भी उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो वो अपने और जो ये रोहिंग्याज आ रहे हैं उसकी मैंने एक इंटरव्यू सुनी थी जिसमें वो कह रही थी कि जो रोहिंग्याज आ रहे हैं वो खाली हमारी प्रॉब्लम थोड़ी कोई है, इसमें इंडिया को भी मतलब कुछ भार उठाना चाहिए, मतलब कुछ लेने चाहिए या कुछ उस टाइप से। और कहती, और एक में उसने ये भी बोला कि भैया इंडिया को तो बल्कि हमारे लिए हमसे थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि हमने उनको हमारी वजह से जो है इतने रोहिंग्याज अंदर नहीं आ रहे हैं या मिलिटेंट्स या टेररिस्ट नहीं आ रहे। पॉलिटिशियन जो है 100% ग्रेट नहीं होगा, वही तो। और दूसरा, हर बंदा अपने देश की पहले देखेगा, हाँ, फायदा देखेगा, कोई शक की बात तो नहीं। मतलब पर ये बात जरूर है कि वो शी इज बेटर देन जो अब आएगा। करेक्ट। और दूसरी बात ये है कि अब जो आएगा वो उस कंट्री का सेकुलरिज्म खत्म कर देगा, वो रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाएगी और उससे इंडिया को प्रॉब्लम्स और होंगी। और शेख हसीना ने एटलीस्ट कंट्री को सेक्युलर तो बनाया हुआ था, ये नहीं था कि भैया सेक्युलर तो थी पर हिंदूज की कोई कंडीशन या बहुत इक्वल राइट्स वहां पे तब भी देखने में लग रहा था, मगर अंदर से ऑलरेडी बहुत रेडिकलाइजेशन चल रहा था। एग्जैक्टली। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 14 जुलाई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रोटेस्टर्स को शांत रखने के लिए, पर उन्होंने एक ऐसी चीज कही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। उनकी टीम ने उनको कल दोपहर 1:30 बजे बताया कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनको अपना आलीशान बंगला इमीडिएटली छोड़ना होगा। रिसेंट ईयर्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो और अब बांग्लादेश हो। इसलिए वो लोग जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में प्रो डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन आ गया है, उनको सोचने की जरूरत है। रेवोल्यूशन आए या फिर नहीं, ये डिपेंड करता है कि अगली बार कुर्सी पर बैठेगा। ये वो मोमेंट है जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भाग रही थी। उनकी टीम ने उनको कल दोपहर 1:30 बजे बताया कि उनकी सिक्योरिटी खतरे में है और उनको अपना आलीशान बंगला इमीडिएटली छोड़ना होगा। वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी और पैकिंग करना चाहती थी पर कोई टाइम था ही नहीं। उनकी और उनकी बहन ने एक एयरफोर्स हेलीकॉप्टर बोर्ड किया और वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आई, जहाँ वो मिली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से। और जो उसके बाद हमें वीडियो क्लिप्स देखने को मिली वो ऑलमोस्ट मानो कार्बन कॉपी थी जो कुछ साल पहले श्रीलंका में हुआ था। प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के बंगलों के अंदर घुस गए, पाकिस्तान में उन्होंने पार्लियामेंट ऑक्यूपाई कर लिया और उन्होंने कई चीजें भी उधर से चुराई, चाहे वो क्रॉकरी हो या फिर मछली। शेख ने असली मछली थी इतनी बड़ी, बांग्लादेश को फ्रीडम दिलाया था और जो शेख हसीना के पिताजी थे उनका स्टैचू भी गिराया गया। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने भला ऐसा किया क्या जिसकी वजह से उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे रोड्स और रेलवे लाइंस को ब्लॉक करके। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जो पास हुआ था 5 जून 2024 को। इस ऑर्डर ने एक कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था बांग्लादेश में। अब भला एक कोटा सिस्टम था क्या, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप समझोगे बांग्लादेश की फ्रीडम मूवमेंट। 1947 की पार्टीशन के बाद बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बुलाया जाता था और वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा रिलीजियस लाइंस पर हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी था, इस वजह से वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था। उनका मानना था कि पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए ईस्ट हो या फिर वेस्ट सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ईस्ट पाकिस्तान में भले ही ज्यादा लोग थे पर ज्यादा पैसा वेस्ट पाकिस्तान में खर्च हो रहा था। ईस्ट पाकिस्तान में बोली जाती थी बंगाली भाषा पर उर्दू ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई। तो जो डिस्क्रिमिनेशन की ये फीलिंग थी ये धीरे धीरे उबल रही थी। फिर 1970 में दो चीजें हुई, साइक्लोन भोला ने ईस्ट पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया।
3 से 5 लाख लोग मारे गए, पर वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत कम मदद करी। एक महीने बाद फिर पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शंस हुए। नेशनल असेंबली में वेस्ट पाकिस्तान में थी करीब 138 सीट्स और ईस्ट पाकिस्तान में थी 162 सीट्स। मेनली सिलेक्शन में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वेस्ट पाकिस्तान में बेस जुल्फिकार अली क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ईस्ट पाकिस्तान में बेस शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। अब शेख मुजीबुर रहमान बहुत बड़े लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान में। उन्होंने कई बार लोगों को बताया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान उनको दबा रहा है, उनकी भाषा को दबा रहा है और उनको पैसे भी नहीं दे रहे। अब ये हालात थे जब 1970 के जनरल इलेक्शंस हुए और जब रिजल्ट्स आए तो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स शॉक हो गए। अवामी लीग ने 162 में से 160 सीट जीत ली ईस्ट पाकिस्तान की, जबकि पीपीपी ने वेस्ट पाकिस्तान की 138 में से 81 सीट जीत ली, जिसका मतलब था कि नेशनल असेंबली में अवामी लीग एक गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि पहली बार पॉलिटिकल पावर ईस्ट पाकिस्तान में होगी। पर वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने ये करने से मना कर दिया। याया खान और पाकिस्तान की मिलिट्री ने अवामी लीग की विक्ट्री को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में मुजीबुर रहमान ने एक आइकॉनिक स्पीच दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बंगाली लोगों को एकजुट रहना होगा और उन्होंने एक आज़ाद बांग्लादेश की मांग करी। 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस ने ईस्ट पाकिस्तान में इन्वेड कर दिया इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस ने एक ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया जहाँ कई सिविलियंस मारे गए। एक रेजिस्टेंस फोर्स स्टार्ट हुई बांग्लादेश में। इस फोर्स का नाम था मुक्ति वाहिनी। इस ग्रुप में कई फॉर्मर आर्मी लीडर्स और सिविलियंस मौजूद थे जिनको सपोर्ट दिया गया इंडियन सरकार से। मुक्ति वाहिनी और इंडियन आर्मी ने वेस्ट पाकिस्तान की फोर्सेस को हरा दिया और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान जो फ्रीडम मूवमेंट के चेहरे थे वो बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और अब आती है कोटा की बात। जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो शेख मुजीबुर रहमान ने एक वादा किया कि वो लोग जिन्होंने आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को और उन महिलाओं को जिनको अत्याचार सहने पड़े थे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी से, उनको एक स्पेशल कोटा दिया जाएगा सिविल सर्विस में। इनिशियल कोटा सिस्टम में 30% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व थी, 10% उन महिलाओं के लिए जिनको आज़ादी के दौरान अत्याचार सहने पड़े थे और 40% उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से थे। अब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी 1971 में, पर 20-25 साल बाद ये कोटा सिस्टम डाइल्यूट होता गया क्योंकि कई फ्रीडम फाइटर्स की मौत हो गई थी। इसी वजह से 1997 में कोटा सिस्टम चेंज कर दिया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी कोटा दिया जाएगा और 2010 में एक और चेंज लाया गया। अब फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रन को भी कोटा दिया जाएगा। इसका मतलब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज के लिए और 1% कोटा सिस्टम ने बेड़ा गर्क कर देता है उस कंट्रीज का। यानी कि बस 44% सरकारी जॉब्स मेरिट बेस्ड थी और इसी वजह से 2018 में देश भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई क्योंकि वो इस कोटा सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे। स्टूडेंट्स का गुस्सा मेनली था कि 30% जॉब्स क्यों रिजर्व्ड है उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे और पोता पोतियों के लिए। आजादी फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई तो पोता पोतियों को भला कोटा क्यों दिया जा रहा है। ये मैटर फिर बांग्लादेश के हाई कोर्ट तक चले गया। 8 मार्च 2018 को जब कोटा सिस्टम के बारे में कुछ हद तक रीजनिंग तो ठीक ही है तो हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोटा सिस्टम सही है या फिर गलत, बल्कि उन्होंने कहा कि जिसने पिटीशन सबमिट करी है उसका कोटा सिस्टम से लेना देना ही नहीं है, तो आपने भला ये पिटीशन सबमिट ही क्यों करी। पर इसके बाद जो सरकार का रिस्पॉन्स था उस वजह से बवाल मचा। शेख हसीना सरकार ने कहा कि कोटा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। सरकार ने कहा शेख हसीना वही महिला है जिन्होंने 28 साल की उम्र में ऑलमोस्ट अपने पूरे खानदान को मरते हुए देखा जब 1975 के मिलिट्री कू में उनको मार दिया गया। उनकी जान इसी वजह से बची थी क्योंकि वो उस समय जर्मनी में थी और इस इंसिडेंट के बाद उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ा शक था बांग्लादेशी आर्मी के बारे में और ये शक करीब 40 साल बाद 2024 में रेलिवेंट होगा। आप बने रहो। अब मैं इस वीडियो में बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा कि शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी कैसे, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं फोकस रखना चाहता हूँ कोटा सिस्टम पर। बांग्लादेश में कई लोगों ने कहा कि शेख हसीना के लिए कोटा सिस्टम बहुत ही इमोशनल इश्यू था क्योंकि ये कोटाज उनके पिताजी ने इंट्रोड्यूस करे थे।
अपने पॉलिटिकल करियर में शेख हसीना अपने पिताजी के कई लेगेसी और प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस रही है और शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी में इस कोटा सिस्टम ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इस वजह से शेख हसीना इस कोटा सिस्टम को नहीं हटाना चाहती थी। इसी वजह से 2018 में उन्होंने अनाउंस किया था कि बांग्लादेश के हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कोटा सिस्टम बना रहेगा, पर स्टूडेंट्स इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि गुस्सा बस कोटा के बारे में नहीं था, कोटा के पीछे नौजवानों के बीच एक बेरोजगारी की समस्या थी। अब बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री तो कई सालों से अच्छा कर रही थी, पर जो नौकरियां प्रोड्यूस करी थी इस इंडस्ट्री ने वो लो पेइंग थी। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे एरियाज में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं था। एक 2017 की वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने भी दिखाया कि जॉब क्रिएशन बांग्लादेश में बहुत स्लो हो गई है। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरियां बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी और उनका कहना था कि प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां नहीं है और भला पब्लिक सेक्टर इंडिया में तो सब यही बोलता रहता है बेरोजगारी है, बेरोजगार में तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि सिविल एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया था ना, 30% रिजर्वेशन क्यों दी जा रही है, 16% हो गया था। इंडिया में भी हो रहा है क्या, इतने लोग बोलते हैं बेरोजगारी में नौकरी नहीं, क्लासेस बॉयकॉट करने लग गए और उन्होंने रोड्स और हाईवेज भी ब्लॉक कर दिए। कई स्टूडेंट्स ने सरकारी वेबसाइट्स भी हैक कर दी कोटा की रिफॉर्म की मांग के लिए, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि शेख हसीना ये कोटा सिस्टम रखना चाहती है ताकि उनकी ब्यूरोक्रेसी में वही लोग आए जो उनकी वाहवाही करते रहे। पर 2018 में प्रोटेस्ट इतनी हद तक बढ़ गई थी कि सरकार को चेंज लाना ही पड़ा। दबाव के चलते 2018 में बांग्लादेश की सरकार ने अनाउंस किया कि अब कोटा सिस्टम कैंसिल कर दिया जाएगा, तो प्रोटेस्टर्स को वो मिल गया जो उनको चाहिए था, कहानी खत्म और बांग्लादेश वापस से पीसफुल हो गया। नहीं, ये चीज बदली 6 साल के अंदर। बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के कई रिलेटिव्स ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली कि सरकार का डिसीजन जिसे कोटा सिस्टम को हटा दिया गया वो गलत है, और 5th जून 2024 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स और उनके परिवार देश के सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स में से एक है और कोटा सिस्टम को हटाने का तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इनफेक्टिव था, जिसकी वजह से वो कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस डिसीजन के अनाउंस करने के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और कई स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना को डायरेक्टली टारगेट किया। अब आप सोचोगे कि कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस तो कोर्ट ने किया, तो फिर लोग शेख हसीना को भला क्यों टारगेट कर रहे थे? इसके दो कारण थे। पहला कारण था कि शेख हसीना ने कई समय से ऑपोजिशन को दबा कर रखा था। इनफैक्ट इसी साल शेख हसीना पर दावे लगाए गए कि उन्होंने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं कराए। 300 में से उन्होंने 222 सीट तो जीती, पर कई इंटरनेशनल बॉडीज ने कहा कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे। बांग्लादेश के मेन ऑपोजिशन पार्टी BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट भी कर दिया था। मानो शेख हसीना बांग्लादेश में वन पार्टी रूल यूज कर रही थी, और उनकी दूसरी गलती थी कि उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स यूज करी। 1 जुलाई 2024 के बाद प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हुई। स्टूडेंट्स ने इन प्रोटेस्ट को बांग्ला ब्लॉकेट बुलाया और ढाका में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के नॉर्दर्न पार्ट में भी ट्रैफिक और ट्रेन की सर्विसेज को रोक दिया गया। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि शेख हसीना एक महीने के अंदर देश छोड़कर ही चली जाएंगी। या देखो, कोटा सिस्टम अब आज के ज़माने में इतने सालों बाद, जहाँ पे मतलब तुम्हें लिबरेशन मिली हो या आज़ादी मिली हो, इतने सालों बाद तक नहीं मिलना चाहिए। कोई एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि भैया इतने टाइम तक देंगे, उसके बाद जो है आपने अपने बलबूते पे फिर आगे अपने लिए नौकरियां ढूंढनी है। अब इस केस में ये है गड़बड़ कि आपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको तो नौकरी दी थी, अब जब उनको नौकरी दी, अब उनके बच्चों को और बच्चों के बच्चों को देने का इतना ज्यादा, दैट इज टू मच। आपने जो फ्रीडम फाइटर था, जिसने एक्चुअल सैक्रिफाइस किया देश के लिए किया, उसको देना चाहिए। अब जब उसको नौकरी मिली है तो उसके, अब उसके बच्चे को तो खुद मेहनत करके पढ़ लिख के नौकरी लेनी चाहिए ना मेरिट पे। ये थोड़ी कोई कि वो बच्चे को भी दे देंगे, फिर उसके बाद उसके बच्चे को भी दे देंगे, तो वो तो गलत है। अब वो इसलिए कर रही होंगी मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि उनको इमोशनल अटैचमेंट अपने फादर से थी, फादर ने वो बात की हुई थी, और जिस तरह फादर और पूरे परिवार का हुआ है, डेथ हुई थी, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा उस टाइप से होगा। पर आपने अपनी कंट्री को देखना है। अब आप एज अ प्राइम मिनिस्टर हो, आपका आपकी पोस्ट जो है, आपको उसकी उसमें अपनी ड्यूटी को निभाना है। और दूसरा सबसे बड़ी गलती ये थी जो एक्सेसिव फोर्स यूज किया था। अब जब ये बात करते हैं ना सब कि ये अभी बोल रहे थे कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे, तो मेरा तो एक ये क्वेश्चन उठता है मेरे दिमाग में कि भाई उन्होंने कोई दूसरी पार्टी को ये थोड़ी को कहा था तुम इलेक्शन में मत लड़ो, वो तो खुद अपनी मर्जी से बॉयकॉट करके बैठ गए थे।
तो अगर तुम बॉयकॉट नहीं करते, तुम कर सकते थे, पर यह अलग बात है कि क्या उन्होंने उनके कई लीडर्स को जेल में बंद करके रख दिया या कुछ उस टाइप से किया, तो ताकि वो खड़े ना हो सके उस इलेक्शन में, और उस वजह से इन्होंने बॉयकॉट किया था, तब पूरी कहानी फिर बदल जाती है। तो राइट, देखिए अच्छी हिस्ट्री बताई है, और काफ़ी अब तो सब कुछ हो गया है और शेख हसीना को जाना पड़ा अपनी जान बचाकर, तो ये सब हुआ है। अनफॉर्चुनेट इंडिया के लिए है ये सब, क्योंकि एक और डेमोक्रेसी गिर गई है। होप यही है कि नए लोग आएंगे, होपफुली अच्छी डेमोक्रेसी होगी, बट जिस तरह से लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो रिलीजन बेस्ड होगी, इसलिए इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। हाँ, और साथ में जैसे देख रहे हो कि भैया यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, वहाँ अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे ये बांग्लादेश हो गया, फिर वो नीचे हो गया, तो फिर सारी चारों तरफ नॉन डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट आ रही है, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। और उस टाइप के मतलब मोस्टली जो कंट्रीज है वो रेडिकलाइज्ड भी होती जा रही है, तो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम ये जो है क्रिएट हो रही है। और दुनिया में तो वैसे ही दिख रहा है कि भैया कितना अनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, तो बड़ी बुरी खराब हालत है। और इससे ये दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो डेमोक्रेटिक है उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इतना डिफिकल्ट होता है कि बहुत समय लगता है सुधार आने में, कंट्री में प्रोग्रेस इतनी नहीं होती, पर फ्रीडम पूरी है, नो डाउट फ्रीडम पूरी है, फ्रीडम इतनी है कि लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं फ्रीडम के नाम पे। जैसे ये बांग्लादेश में भी देख लो एग्जांपल, पूरे हर जगह जहां डेमोक्रेसी है वहां पे वही है। कई बार तो लगता है यार इससे अच्छा तो जैसे चाइना का एग्जांपल देखो, प्रोग्रेस कर रहा है, कंट्रोल करके रखा है, ऐसी न्यूज तो नहीं आ रही, तो कई बार तो ये भी लगता है, पर ये फिर सोचते हैं कि यार फ्रीडम ना हो तो क्या 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 जिंदगी होगी। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।